नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। अगर आज आप करने जा रहे हैं कोई खास काम या बना रहे हैं कोई विशेष योजना, तो उससे पहले जान ले आज का अपना राशिफल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद गुरु जी मानेन्द्र जी से। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्या कहते हैं आपकी राशि की तारीख। गुरु जी, हमारे दर्शकों को उनका राशिफल बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों, आज आप चंद्र ग्रह के नीच होने के कारण मानसिक रूप से तनाव बना रहेगा, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सावधानी से एक बार अलर्ट होकर के उस पर विचार करिए। वृष राशि, आपकी जो आज की ग्रह स्थिति रहेगी उसमें आपको अपने किसी व्यक्ति से, खास व्यक्ति के द्वारा धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है और आज आपके शरीर में सुस्ती देखने को मिलेगी। मिथुन राशि, आपको रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे का भय बना रहेगा, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा है, होगा कुछ नहीं पर भय बना रहेगा। कई बार हम ज़्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग, तब भी दिक्कत आ जाती है, तो उससे आपको बचना होगा। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो आज का आपका दिन बहुत ही उपयोगी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस दिशा में आप कार्य करने के लिए जाएंगे निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। घर से निकलते ही पहले आपको पूर्व की तरफ जरूर देखना चाहिए या उत्तर की तरफ। सिंह राशि की यदि मैं ग्रह स्थिति की बात करूँ तो एजुकेशन के लिए आई टी टेक्नोलॉजी, आई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंट भट्टे का काम कारोबार करने वाले लोग, उनके लिए विशेष रूप से आज का दिन अच्छा है। कन्या राशि की दिन बात करें तो आज नीच चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलेगा और वह भी आपके तीसरे स्थान में, छोटे भाई बहन के घर में, इसलिए भी आपको अलर्ट होना पड़ेगा। आज परिवार से संबंधित जो चिंताएं हैं वो आपको सताएंगी। यदि बात करें हम तुला राशि की तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वाणी पर आज आपके चंद्रमा नीच के होकर के रहेंगे, वो भी कर्मेश होकर, खुद ही ऐसे शब्द बोल देना और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, इसलिए आपको थोड़ा बचना है। संतुलित शब्दों का, नपे तुले शब्दों का प्रयोग आज करना चाहिए। वृश्चिक राशि की यदि मैं बात करूं तो मंगल बहुत पावरफुल है, धन की आवक के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। इनफैक्ट कर्मेश सूर्य भी धन के घर पर बैठा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, पर चंद्रमा कमजोर हो गया, वो ठीक नहीं है, शरीर पर बैठ करके हो गया, जिसके कारण शरीर में सुस्ती रहेगी। धनु बात करेंगे धनु राशि के विषय में, जो बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। देवगुरु बृहस्पति आज बहुत ज़्यादा आपके बलवान दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मार्गी स्थिति में आ चुके हैं। लाभ, भाग्य और मान सम्मान, ये तीनों चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। बात कर लेते हैं मकर राशि की। आज आपके लिए शनि ग्रह के द्वारा वरदान आपको प्राप्त होगा और न्याय मिलेगा, कर्म फलदाता है, कर्मों का शुभ फल आज आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो अनावश्यक चिंताओं से आज आपको बचना चाहिए और विषम परिस्थितियों के बाद धन के आय के साधन बनेंगे, मेहनत परिश्रम आज आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मीन राशि की जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है नीच चंद्रमा के द्वारा आज आपको भगवान से रुचि थोड़ी सी कम होगी, पिता से भी रुचि कम होगी, यानी कि इन दोनों पक्षों से आज आपका मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई पड़ता है। ये है सभी 12 राशियों का डिटेल फल। तो जागरण एस्ट्रो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये खास कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। गुरु जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।